जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत दिनों से वीडियो ना आने की वजह ये थी दोस्तों कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है बीएड वर्सेस बीटीसी यानी कि बीएड वर्सेस डीएलएड के केस में, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये सीधा फैसला था कि ये डीएलएड ही केवल एलिजिबल होंगे पीआरटी के लिए यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए, बीएड वालों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य माना है, इस पूरे फैसले ने न केवल आपको न केवल मुझे बल्कि पूरे बीएड अभ्यर्थियों के दिल में एक आघात किया है। बहुत तकलीफ हुई है, बहुत चोट पहुंची है और बहुत ज़्यादा निराशा हुई है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो बिल्कुल हम असहमति जताते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और हमें ये लगता था या अभी भी हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल हमें मौका दिया जाना चाहिए पीआरटी के लिए, पीआरटी शिक्षक बनने का। क्योंकि तो दोस्तों 2018 के बाद से जो गाइडलाइंस आई थी कि 1-6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ बीएड के अभ्यर्थी भी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, उस आदेश के बाद, एनसीटी के उस आदेश के बाद बहुत सारे बच्चों ने, लाखों लाखों बच्चों ने बीएड में पंजीकरण कराया था। अब वो बिल्कुल ऐसे हताश और निराश अपने आप को फील कर रहे हैं। और एक और सूचना आपको दे दूं कि एनसीटी ने जो वो गाइडलाइन 2018 में अपडेट करी थी उसने अपने आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। अभी अगर आप देखेंगे तो केवल 2014 का ही नोटिफिकेशन वहाँ पर मौजूद होगा। हो सकता है बहुत जल्द एक नई गाइडलाइंस एनसीटी जारी करे और हमें बताए कि इस फैसले पे उसका क्या पक्ष है, उसका क्या रवैया है। तो दोस्तों ये हो गई अब तक की बातें कि बीएड को बाहर रखा जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि सीटेट हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, सीटेट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पेपर देना है कि नहीं देना है। अगर बात करें सीटेट की तो सीटेट की प्रिपरेशन बच्चों ने छोड़ दी है, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ। देखिए एक खबर आई थी एक पेज में, न्यूज़ में ये आर्टिकल छपी थी कि सीबीएसई ने जो सीटेट पेपर वन की जो रिपोर्ट कार्ड थी, जो मार्कशीट थी, जो सर्टिफिकेट थी, उसे रद्द कर दिया। ये खबर आई थी, हालांकि अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पेपर टू तो आपको देना ही देना है, कन्फर्म देना है। पेपर टू में मेहनत करिए, पेपर टू आप सीटेट का जरूर दीजिए। अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, मुश्किल से 5 दिन बचा है। तो ये जो पूरा फैसला है ना, इसमें अब कोई विद्यार्थी या कोई कुछ सरकार या कोई कुछ, केवल सरकार ही कुछ कर सकती है। सरकार एक नया अध्यादेश ला के इस फैसले के को बदला जा सकता है, अगर सरकार कोई नया कानून बना देती है। तो विद्यार्थी सबसे पहला काम ये करें दोस्तों कि 5 दिन का जो समय बचा है, छोड़िए ना जो होना था हो गया, जो चीज़ें चल रही हैं चलती रहेंगी, लेकिन 5 दिन जो समय बचा है बाबू, आप बिल्कुल सीरियस होके आप सीटेट पेपर टू को पढ़िएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सीटेट पेपर टू को पढ़िएगा। देखिए एक रास्ता बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे रास्ते की तरफ बिल्कुल जाए ना, उसकी मेहनत ना करें, उसे डर नहीं। आप पेपर वन के लिए जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो चलती रहेगी, जो हमारी मांगे हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन पेपर टू की तैयारी आप सबको करना है। तो मैं बड़े ही खास निवेदन स्वरूप मैं आप सबसे कहता हूँ कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीएड के बच्चे हैं और सीटेट के आने वाले एग्जाम्स की पेपर टू की सभी तैयारी करें। आप लोग करेंगे, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पेपर टू की तैयारी जम के करेंगे, दबा के करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आप पेपर टू की तैयारी करेंगे। पेपर वन का क्या होगा दोस्तों, पेपर वन देखिए, आपको पेपर वन दे के या ना दे के कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने पैसा लगाया है, आपने फॉर्म भरा है, तो अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। और बहुत हद तक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये भी संभावना है कि जो सीटेट आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा ना, बीएड वालों को ऑप्शन ही नहीं देगा पेपर वन देने के लिए। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में ये रहता है, क्योंकि अभी तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड रिलीज नहीं की गई है, तो जैसे एडमिट कार्ड अगर आपके पास रहता है तो आप पेपर वन में अटैम्प्ट लीजिएगा। इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पेपर वन में अटैम्प्ट लीजिए और पेपर टू की जम की तैयारी करिए। ओके, अब दूसरी बात आती है कि जिन बच्चों ने बिहार में आवेदन किया है वो क्या करें। देखिए बिहार सरकार या बिहार की तरफ से जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी इसे पे रोक नहीं लगी है और ना ही रोक लगाने का कोई फैसला लिया गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पे जाके अटेम्प्ट दीजिए, वहाँ पे जाके परीक्षा दीजिए। पहले हम पास हों, क्वालिफाई करें, कट ऑफ के अंदर आएँ, तब हम इस बात पे चर्चा करेंगे या मांग करेंगे कि देखिए हमने हर एक चीज़ को क्वालिफाई कर रखा है तो अब हमें भर्ती से क्यों रोका है। और मैं हकीकत कह रहा हूँ कि जितनी बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली ना, उतने सीटेड, उतने बीटीसी या डीएलएड के बच्चे मिलेंगे ही नहीं सीटेड पेपर वन के क्वालिफाइड, तो उनकी वैकेंसीज खाली रह जाएगी। इस स्थिति में जैसे केवीएस में खाली रहेगी, तो केवीएस ने ही ये मांग किया था कि उससे पीआरटी के लिए बीएड के बच्चे चाहिए, योग्य शिक्षा के लिए केवीएस ने ही मांग किया था। उसके बाद एनसीटी ने 2018 में गाइडलाइन दी कि अब 2000 बीएड के बच्चे भी कर सकते हैं।
तो बहुत यही संभावना है कि जैसे अगर बिहार में खाली रहती है सीटें या बिहार में उतने योग्य नहीं मिलेंगे तो बिहार सरकार भी ये मांग करके एक कानून ला के आपको वहाँ पे भर्ती दे सकती है। हालांकि बीपीएससी में भी जो बीएड के अभ्यर्थी आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उसके खिलाफ बीटीसी वालों ने पिटिशन डाली है, उसके खिलाफ भी वो हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब वो फैसला अलग है, लेकिन हमें तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे प्राइमरी चीज़ दोस्तों, सबसे प्राइमरी चीज़ सीटेट पेपर टू की जम की तैयारी करनी है, ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। दूसरी प्राइमरी चीज़ दोस्तों कि सीटेट पेपर वन का अटेम्प्ट लेना है हमें किसी भी हाल में। और तीसरी दोस्तों, तीसरी बात यह है कि बीपीएससी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। तो ये तीन बातें हैं। और आखिरी और सबसे लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि बहुत सारे हमारे योद्धा हैं जो अपने घरों से बाहर निकल कर जगह जगह पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपके भी शहर में, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो, जहाँ कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी राज्य में हो, अगर बीएड के अभ्यर्थी इकट्ठा है, अपना समय दे रहे हैं दोस्तों आपके लिए, अगर वो सड़कों पे आ रहे हैं तो आप उनका समर्थन करें, शांतिपूर्वक समर्थन करें, शांतिपूर्वक समर्थन करें, बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह, एक विद्यार्थी अनुशासन की तरह इनका समर्थन करें, इनके साथ खड़े रहें, इनके साथ रहें और अपनी बात को संवैधानिक तरीके से सरकार तक आप रख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा। और डिजिटली जो बच्चे या बच्चियां नहीं आ सकती, डिजिटली दोस्तों जैसे पिछले दो दिनों में टॉप ट्रेंडिंग में रहा है वी वॉन्ट बी एड इन पीआरटी, और एक और हमारा जो हैशटैग चला था कि बीएड वालों के लिए अध्यादेश लाया जाए, ऑर्डिनेंस लाया जाए, तो वो दोनों टॉप ट्रेंड में रहा है ट्विटर पे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घर पे भी हैं, जितना समय मिले तो डिजिटली भी आप अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। तो बस इसी वीडियो के साथ मैं आपकी बात को समाप्त करूंगा। मेरा पूरा समर्थन है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, और मैं आशा करता हूँ कि एक बार फिर से सरकार आपके पास में कुछ फैसला लेगी और आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो चिंता मत करिए, जो होना था वो हो चुका, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे बेहतर बनाया जरूर जा सकता है। तो बस एक आखिरी बार फिर से निवेदन, सीटेट पेपर टू जरूर दीजिए, पेपर वन में अटैम्प्ट लीजिए, और बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो जरूर उसकी पढ़ाई करिए और उसका अटैम्प्ट जरूर लीजिए। इसी वीडियो के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी और बात करेंगे, ठीक है? तब तक ख्याल रखिए, जय हिंद।